Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट 3 2020-21 को सॉल्व करेंगे। गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा GSCB बोर्ड का, ठीक है। तो NCERT सिलेबस है आपका, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है, पूरा वन बाय वन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स 3rd यूनिट टेस्ट सितंबर 2020 का। इसमें आपको 4 सेक्शन है टोटल। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। 1 मार्क्स इज, सभी टोटल कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ग्राफ फॉर पॉलिनोमियल PxY = PX, दैट मीन्स PX = Y, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ PX। आपको PX के यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बताते हैं। अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिया रहता है उसमें अगर हमें PX यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना हो तो ये हमें देखना है कि ये जो हमारा L यहाँ पे लाइन है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो हमारा कर्व है, ए एक्स एक्सिस को कितने बार यहाँ पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे तो इसमें आएगा 1 एंड 2, दो जगह पे कर रहा है, तो जीरो कितने आएंगे इसको, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर द गिवन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x + 3y = 5, स्टेट द रूट। तो देखो, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। A = 1, 0, V = 2, 1, C = -1, -2, D = 0, 1। अब सभी को देखो, सभी इसमें एक क्या होता है, x की वैल्यू होती है, a y की वैल्यू होती है। सब में जो फर्स्ट वाला होता है वो x की वैल्यू होती है, a वाला y की। इस इक्वेशन में हम रख देंगे एक एक करके, जिसमें दोनों LHS = RHS आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। = 5 ये इक्वेशन है। अब सबकी वैल्यू 1 by 1 रखो, ठीक है। इसको रखो, देखो LHS और RHS दोनों सेम आना चाहिए दोनों साइड। तो x कितना है 1, 5 × 1 प्लस y 0 है, तो 3 × 0 = 5 आ गया। 5 × 1 = 5, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 = 5। अब इसमें देखो 5 में 0 ऐड करो, 5 = 5, देखो दोनों साइड कैसी वैल्यू आ गई, इक्वल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी अगर आप चेक करोगे तो एक चेक करके मैं बता देता हूँ कि आंसर आपका इक्वल नहीं आएगा। जैसे इसमें सेकंड वाला देखो, तो x की जगह क्या रखो, 2 रख दिया, प्लस 3 y की जगह 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3 = 5। ये देखो 10 + 3 = 13 और ये 5 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर ये आएगा आपका, ठीक है। आप बाकी सी डी चेक करोगे, किसी में भी इक्वल नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 by 2, 1 by 2, -3 by 2। तो यहाँ पे डिफरेंस डी हम कैसे फाइंड करते थे, a2 - a1 करके, या फिर a3 - a2 करके। तो यहाँ पे a2 क्या है आपके पास, a रहा 1 by 2, पुट कर दो 1 by 2, a1 है आपके पास 3 by 2, इस तरह से, सॉरी a आपका है a1 एंड आएगा यहाँ पे आप क्या करोगे 1 by 2 - a कर दोगे। तो देखो यहाँ पे आप जब इसको फाइंड करोगे तो क्या आएगा, देखो दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 1 - 3। तो देखो जब आप 1 में से -3 सब्ट्रैक करोगे तो -2 by 2 हो जाएगा। अब इसको कट करोगे 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो -1 by 1, दैट इज -1। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा -1, a2 - a1। अगर आप इसमें से फाइंड करना चाहो तो इसमें से भी फाइंड कर सकते हो, a3 - a2, -1 by 2 माइनस करके यहाँ पे आएगा आपका -1 by 2, इस तरह से। तो -, यहाँ पे प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 by 2, दैट इज -1, इस तरह। चलो डिफरेंस आपका आ गया तो एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। आपको ये फाइंड करना था, डी की वैल्यू कितना है आपके पास, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो इतना लिखोगे चलेगा।
0.4 माइनस 3 इज एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर आप यहाँ पे सपोज एक ग्राफ बनाते हो इस तरह से, तो आपका देखो ये 4 एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, एंड ये कहाँ आएगा आपका माइनस 3 इधर नीचे। बट आपको परपेंडिकुलर x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे आएगा तो ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट माइनस में भले लिखा हुआ है, बट हम डिस्टेंस किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, इसलिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3 यूनिट आएगा। ओके, तो अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स रेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशियंट। आपको सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करना है, देन आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट एंड जीरोज के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जीरो फाइंड करते हैं, तो देखो जो इक्वेशन रहता है हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल जीरो ले लेना है आपको। तो अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे नॉन वेरिएबल है, उसको राइट साइड मूव कराया, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब एक्स देखो इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ये ये 3 और प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर के बाद इधर गया तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस 3 में आया एक, और एक्स की वैल्यू किस में आया माइनस रूट 3, ये दो वैल्यू एक्स की आई, ठीक है। तो आइए इनके क्या है जीरोज, इसी को हम बोलते हैं जीरोज। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो करना पड़ेगा कोफिशियंट के साथ, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, देखो ये स्क्वायर वाला है तो हम इसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस जनरल इक्वेशन होता है। अब इसमें से देखो ए होता है आपका बी और सी, अगर हम यहाँ से ए बी सी लिखे तो देखो एक्स स्क्वायर वाले इसका कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है दिख रहा है आपको, तो 1 लिखते हैं, तो ए की वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, बी देखो एक्स वाला कोई टर्म है इसमें नहीं है, तो बी की वैल्यू हो जाएगा आपका 0, एंड सी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे सी, यहाँ पे प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी की वैल्यू माइनस 3, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यू लिख के हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे, और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों में पहले आपको कोफिशियंट से करना है, एंड दोनों इस तरह से फॉर्मूले से करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरो एक तो हम ऐसे ही इसको ऐड कर लेते हैं, तो सम मतलब एडिशन होगा, इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो दो क्या क्या है एक अंडर रूट 3 प्लस करके आपका माइनस अंडर रूट 3, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 0 प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस, इस तरह से हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब फॉर्मूले से करते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू देखो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, तो बी की वैल्यू कितना फाइंड किया हमने यहाँ पे 0, तो 0 बाई ए की वैल्यू है 1, तो 0 बाई 1 कितना होता है 0, देखो दोनों की वैल्यू कैसी आई सेम आई। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं दैट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास है तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 3। अब देखो अगर दो अंडर रूट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों सेम होते हैं तो कट के क्या हो जाता है सिर्फ 3 बचता है, इसके 1/2 पावर इसका 1/2 पावर 1 हो जाएगा, एंड माइनस में 3 आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 3। सेम अब इसको हम फॉर्मूला से कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का c बाई ए, तो c कितना है आपके पास यहाँ पे ए बी सी देखो माइनस 3 है c यहाँ से हमने लिखा था, एंड a आपके पास है 1 माइनस 3 बाय 1, माइनस 3 बाय 1 कितना होता है आपके पास माइनस 3, तो a देखो दोनों की वैल्यू सेम आया दोनों मेथड से, ओके हेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, ओके। तो इस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको पता है क्या होता है, एक में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरे में, मान लो एक में से दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई
यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एंड सेकंड इसको इक्वेशन नंबर मैं वन बोल देता हूँ। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू फोर, ए इक्वेशन नंबर टू है। अब एलिमिनेट करने के लिए कोई भी x की या फिर y की वैल्यू सेम करना होता है, और एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, एक प्लस, इसमें देखो एक में माइनस है एक में प्लस है, इसको इक्वल के उस साइड ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अगर हम देखो थ्री का, या तो इसमें मल्टीप्लाई कर ले या तो थ्री का डिवाइड कर ले, थ्री का डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड आ जाएगा इधर भी डिवाइड, तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्री इन इक्वेशन वन में, ओके। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव। अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको इधर लाके लिख दो इसके नीचे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू एक्स या फिर ऐड करते हैं, टू एक्स यहाँ पे क्या है माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ओके। अब इस तरह से कर दो, देखो थ्री वाई कट जाएगा आपस में, थ्री एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा फाइव एक्स, एंड फाइव प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइन बाई फाइव, ओके। एक्स की वैल्यू आ गई, अब आपको वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना है। यहाँ पे वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, किसी एक में यहाँ पे आपको रख देना है, ओके। जब ओके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी थ्री फाइव जब फिफ्टीन इसमें किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा फिफ्टीन, और ये आपका हो जाएगा नाइनटीन, ओके। तो नाइनटीन बाई फाइव आएगा, क्योंकि देखो थ्री का मल्टीप्लाई करो थ्री वन जाए, यहाँ पे थ्री एक्स थ्री वाई, एंड इसमें भी थ्री फाइव जाए फिफ्टीन, बाद में इसको सब्ट्रैक करो तो फिफ्टी प्लस फोर क्या हो जाएगा नाइनटीन, नाइनटीन बाई फाइव, ठीक है। थोड़ा सा इतना हो जाता है। अब देखो एक्स की वैल्यू कहाँ रख, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रख दो इसकी एक्स की वैल्यू। एक्स कितना है नाइनटीन बाई फाइव, तो देखो 19 बाई फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब y की वैल्यू देखो ये 19 बाई फाइव उधर चला जाएगा, 19 बाई इधर क्या है आपके पास इस तरह से, ओके। तो अब ये आ जाएगा आपका देखो 19 बाई फाइव नाउ, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5, तो 5 इधर नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25 माइनस 19 बाई फाइव। नाउ y की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, 25 माइनस 19 कितना होता है आपके पास 6, तो 6 बाई फाइव आ गया आपके पास y की वैल्यू, ओके। तो ये y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश डैश 10। तो देखो आपका ये लास्ट जो यहाँ पे लास्ट वाला जो है नंबर, ये क्या दिया गया है 10, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो ए एन भी बोलते हैं, इसको एल भी बोलते हैं। तो ए एन और एल की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना है, दैट मीन्स एस एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला सभी को आता है, तो अब एस एन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मैं एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू वन, यहाँ पे ये जो एल की वैल्यू से फाइंड करते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। तो ए आपके पास दिया गया है, ए रहा ला, ए देखो लास्ट ए भी दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इससे फाइंड कर सकते हो, बट आपके पास एन नहीं है। एन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा लास्ट, ठीक है, ए एन वाला। तो ए एन का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू दिया गया है आपके पास 34, ठीक है, ए वन। इसी तरह ए टू है आपका समझ लो 32। तो सबसे पहले देखो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो ए फॉर्मूला लगाया, बट आपके पास अभी भी डी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ए एन तो हम फाइंड कर लेंगे, डी नहीं है, तो डी कैसे फाइंड करते हो, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है 32 माइनस ए वन है आपके पास 34। जब 32 माइनस 34 करोगे तो आंसर आएगा माइनस 2। नाउ अब रखो, पुट करो, ए एन की वैल्यू है 10, ए आपके पास है 34, देन प्लस एन तो आपके पास नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे माइनस में 2, ओके। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो 34 एज इट इज़, देखो इसमें इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2n, और ये प्लस में हो जाएगा 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 10 ऐसे ही रखते हैं, 34 है, 34
में 2 को ऐड कर दो, 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस 2n। अब ये देखो वेरिएबल वाला को इस साइड ला दो और इसको इस साइड, 2n इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 36 जैसे, और ये 10 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। नाउ 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 10 दैट इज 26, आ गया यहाँ तक। अब n की वैल्यू 26 बाई आ जाएगा 2, यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू आ गया आपके पास 13, डिवाइड कर दोगे 2 1 जा 2 2 13 जा, क्या होता है 26। तो n की वैल्यू आ गई। अब इजिली आप फाइंड कर सकते हो sn, sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो हमने ऊपर लिखा था। नाउ sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करो, रख दो वैल्यूज, n की वैल्यू कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, देन a की वैल्यू कितना है आपके पास 34, l आपके पास था 10, ये देखो ओके। नाउ 13 बाय 2, अब देखो इन दोनों को ऐड करो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 34 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 44 ओके। अब सिंपली इसको क्या करना है आपको, देखो कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 13 इंटू 22 करना है, 13 इंटू 22 करो, 13 2 जा 26 2 कैरी, 13 2 जा 26 26 में 2 ऐड कर दो 28, तो sn की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 286 यहाँ पे आएगा आंसर ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है चैप्टर नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 8 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास एक सेक्टर वाला इक्वेशन था, सेक्टर इक्वेशन जिसको हम बोलते थे, वो इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं 4 -3 8 5, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड वाई वन की वैल्यू है -3, एक्स टू आपका दिया गया है 8 एंड वाई टू आपका दिया गया है यहाँ पे 5 प्लस में m1 है, देखो जिसमें m1 बाई m2 होता है, तो m1 आपके पास है 3 एंड m2 है आपके पास 1। अब हमें यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता था सेक्टर वाला का, कोई भी कोऑर्डिनेट का हमें फाइंड करना है, तो देखो x y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, आप फॉर्मूला का अप्लाई करिए। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते थे m1, देन आता था x2 प्लस m2 x1, देखो m1 लिया तो x2 लिया, m2 लिया तो x1 लिया, तो देन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू आएगी इसमें, इधर y की वैल्यू, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आता था आपका m1 प्लस m2 ओके। तो इस तरह से हम करते थे, सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, m1 की वैल्यू कितना है 3, x2 की वैल्यू कितना है आपके पास, ये मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, x2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 8 प्लस m2, m2 आपके पास 1 है, 1 पुट करो, x1 आपके पास 4 है पुट कर दिया, देन m1 प्लस m2, m1 आपके पास 3 है, m2 1 है, 3 प्लस 1 कोमा m1 अगेन 3 पुट करो, y2 की वैल्यू 5 है, 5 रखो इधर, देन प्लस m2 1 है, y1 क्या था आपके पास -3, तो -3 पुट करो, m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो देखो 8 3 जा क्या होता है 24 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 प्लस 1 4 कोमा 5 3 जा 15 3 1 जा 3 माइनस में आ जाएगा बिकॉज प्लस माइनस हो जाएगा एंड 3 प्लस 1 4, इतना आ गया आपके पास। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो 24 प्लस 4 दैट इज 28 डिवाइडेड बाई आपका 4 आ जाएगा एंड 15 माइनस 3 कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करो इसको तो आंसर आएगा आपका 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 होता है तो 7, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 क्या आया 3, तो x एंड ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 7 एंड 3 आ गया ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सेक्शन सी देखते हैं, अब हम सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी
सेक्शन सी में आपके यहाँ पे सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आई थिंक 3 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है डिवाइड 3x रेज़ टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो लिख लेते हैं इसको, इसको जिसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से ये हम इधर लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ए वाला देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे भी करके हमें ए टर्म लाना होता है फर्स्ट वाला। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उल्टा लिखा था, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आगे हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से दिया है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे करके फिर डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो हमें यहाँ पे अगर थ्री एक्स रेस टू थ्री लाना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें, थ्री एक तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 1x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 2 6x स्क्वायर देन प्लस 3 1 3x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यूँ माइनस माइनस साइन चेंज कर देते हैं, ये तो इससे कट गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 1 में एंड ये माइनस 6x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। अब ये भी यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो आएगा माइनस एक्स, इसको नीचे उतार लो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें यहाँ पे पावर का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे माइनस 5 है, तो यहाँ हमें माइनस 5 लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस, देखो 5 2 10x, देन देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना है। तो देखो प्लस माइनस है ये तो कट गया, यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स और ये प्लस 10x, सब्ट्रैक होगा आएगा आपका आंसर 9x, 5 प्लस 5 आपका आएगा 10, तो आंसर आया आपका ए, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया गया आप मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन थर्ड ईयर, एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का, 600 सेट उसने थर्ड ईयर में प्रोड्यूस किया, 700 सेट्स इन द 7 ईयर में क्या किया, 700। अब अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, अब सपोज आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि प्रोडक्शन हो रहा है यूनिफॉर्मली एवरी ईयर कुछ नंबर है, देन आपको प्रोडक्शन करना है। देखो द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर बताना है, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर। तो यहाँ से हम अगर एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अप टू यहाँ पे हम डैश डैश ईयर तक जितना फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो A3 दिया गया है, देखो थर्ड ईयर का, तो A3 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, 600, एंड A7th ईयर में ओवरऑल, दैट मीन्स A7 आपको दिया गया है 700। अब यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला लगाएं A3 का और A, यहाँ पे 7 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे अगर हम यहाँ से A फाइंड कर सके, A फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। ओके, तो A3 की वैल्यू आपका यहाँ पे A3 = A+N-1 × D, तो यहाँ पे N3 आ जाता है इसलिए, ओके N तो यही रहेगा, तो 600 हो जाएगा A3 की वैल्यू, A+N आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 3, बिकॉज यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, N की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, A3 में तो N की वैल्यू 3 आएगी, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 3-1, D की वैल्यू क्या आएगी आपके पास नहीं पता है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो D एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 600 = A+3-1 कितना हो जाएगा 2, और D का मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ से आपके पास A7 है, A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A+1N-1 × D, तो A7 आपके पास है 700, ठीक है, यहाँ पे N7 होगा बट हम यही लिखते हैं, A+N की वैल्यू क्या आ जाएगा 7-1 × D, तो 700 = A+7-1 दैट इज 6 × D, इतना आ गया इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे इसको देखो, से यहाँ पे लाओ 700 इज इक्वल टू ए प्लस 6d और 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ओके, यहाँ से देखो ये दोनों कट जाएंगे, 700 माइनस 600 आपका आएगा 100 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना होता है आपका 4 इंटू डी। डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, देखो 100 डिवाइड बाई 4 होगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, तो डी की वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ से 25 इस तरह से। ओके, कितना आया डी की वैल्यू आपका आ गया 25। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट दिस, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन कोई भी इक्वेशन, ठीक है, अब इक्वेशन कोई में भी रख दो, इसमें रखते हैं हम। तो देखो 600 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे ए प्लस 2d, तो 600 ए की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, ये हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू, 2 इंटू डी की वैल्यू 25 है, लिख दो। 600 इज इक्वल टू ए प्लस 25, टू जो क्या होता है 50 को इस साइड ला दो, तो ए इज इक्वल टू 600, देखो इधर आ जाएगा माइनस 50, मैं इसको इस साइड से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 650, कितना आएगा आपका 550, यही आपका क्या है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिख देना फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू 550 TB सेट्स। नाउ अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट का, टेंथ ईयर का। तो अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे n10, ठीक है, 10 माइनस जो n होता है यही आपका n है, n यहाँ पे आएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल इंटू डी आएगा। ओके, तो a10 हम फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू है 550 प्लस यहाँ पे देखो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है, अभी हमने फाइंड किया 25। ओके, तो 550 प्लस 9 इंटू 25 करोगे, 9 5 जा 45 4 कैरी 9 9 2 जा 18 18 2 18 एंड 4 22, ऐड कर दो इसको, 5 में 0 5 7 5 प्लस 2 7 5 प्लस 2 7, तो क्या है आपके यहाँ पे आंसर, ए 10 की वैल्यू कितना आ गया आपका 775, ये क्या आया टेंथ ईयर का प्रोडक्शन। ओके, आप अच्छे से लिख सकते हो, टेंथ में आ गए हो, टेंथ ईयर में कौन सा कितना प्रोडक्शन हुआ 775 सेट्स का। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, सब कुछ यहाँ पे मिल गया। अगर हम अब इस देखो यस 7 फाइंड कर ले, तो डायरेक्ट हमें सेवन्थ ईयर का प्रोडक्शन, ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन बोला गया था, प्रोडक्शन इन क्या था द फर्स्ट 7 ईयर, मतलब फर्स्ट टू सेवन सब फर्स्ट 7 ईयर, तो हम यहाँ पे सम ऑफ लगाएंगे फॉर्मूला सम वाला, तो मतलब A7 यहाँ पे S7 का फॉर्मूला लग जाएगा, ए यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या होता था आपका n/2 यहाँ पे 2a(n-1)d, ये वाला आपका फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे हमने n की जगह क्या ले लिया 7, क्योंकि फर्स्ट 7 ईयर का हमें ऐड करना है, तो n यहाँ पे आता था, n की जगह पे 7 आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख रहा हूँ, अभी आप लोग को 2 into a की वैल्यू यहाँ पे आता है 550 है a की वैल्यू, अब यहाँ पे n माइनस 1 आता था, n कितना है 7 माइनस 1 एज इट इज, इंटू d आता था, d आपके पास 25 है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ओके, अब 7/2 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 2 into 550 को, तो क्या आएगा 1 यहाँ पे 1100, एंड देखो यहाँ पे 7 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज 6, 6 में से 25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 150। ओके, 7/2 देन मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर दो अब, 1100 प्लस 150 तो 1250 आ जाएगा, कट करो, 2 से कट होगा, 2 6 12 एंड यहाँ पे क्या होगा आपका 625। अब देखो यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 625 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 4375 आपका। ओके, ये फर्स्ट 7 ईयर का प्रोडक्शन आया। तो यहाँ पे आपका एक वाला क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, देख लो इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई द पॉइंट्स 2, 3, -1, 0, 2, -4। इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका हमें यहाँ पे आंसर लाना है। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है यहाँ पे x1, 2, y1, 3, x2, -1, एक्स यहाँ पे y2, 0, x3, 2, y3 = -4। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे जो भी दिया है वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ही फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया, डायरेक्ट मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल लो। ओके, फॉर्मूला होता था आपका मतलब 1/2, आगे 1/2 लगा देते थे, देन बड़ा वाला ब्रेकेट। एक्स वन लिखते थे तो हम यहाँ पे क्या करते थे, दूसरा वाई टू आना चाहिए एंड y2 - y3 लिखते थे, देन प्लस लिखते थे x2, देन अब y2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 - y1, देन आता है x3 के बाद वापस से 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो y1 - y2 हमने यहाँ पे रख दिया फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 2, पुट कर दो, y2 की वैल्यू है यहाँ पे 0, y3 की वैल्यू है -4, देखो 0 यहाँ पे -4 रख दिया, ए ब्रैकेट बंद, x2 की वैल्यू है -1 तो -1 एंड इस ब्रैकेट में y3 क्या है -4। ओके, देन माइनस करके y1 है आपके पास 3 तो -3 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास रख दो 2 एंड y1 कितना है आपके पास y1 3, -y2 0। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, हम यहाँ पे हमने सोल्व करना है 1/2, देखो यहाँ पे 0 - -4 दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पे देखो -1, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, -4 - 3 आएगा -7, प्लस 2 × 3 यहाँ से बचेगा, 0 चला जाएगा, 1/2 इंटू देखो 8, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो दोनों ए हैं, प्लस हो जाएगा क्या आएगा यहाँ पे 7 एंड प्लस आपका आएगा यहाँ पे इस तरह से 3 2 6। ओके, आप क्या करोगे यहाँ पे 3 2 6 लिख दोगे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, फिर से चेक कर लो, x1 2 y1 y2 हमने रखा यहाँ पे 0, माइनस था तो माइनस लिखा, माइनस हमने y3 यहाँ पे -4 लिख दिया, देन हमने x2 की वैल्यू रखा, देन y3 -4 था, -4 की वैल्यू रखा, देन माइनस करके y1 ये रहा था, प्लस x3 कितना था आपके पास 2 पुट किया, y1 आपके पास 3 था, माइनस y2 आपके पास 0। ओके, ये रेडी है सब, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय देखो 8 + 7 + 6, आप इसको ऐड करोगे तो क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो, तो 8 + 7 कितना होता है 15, 15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दैट इज 21। ओके, अब आंसर आ जाएगा 21/2 यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेक्शन डी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्या लिखा है, मानसी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर नेटिव पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस, सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। देखो 300 किलोमीटर उनको ट्रेवल करना है, कुछ बस से ट्रेवल करती हैं कुछ ट्रेन से, अगर वो सी टेक्स 4 आवर, अगर वो 4 घंटे क्या करती हैं ट्रेवल करती हैं तो 6 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग जो टाइम बचेगा, अब देखो 4 घंटे इन्होंने ट्रेवल किया है, ओके तो 60 किलोमीटर ट्रेन से बाकी कितना बचा, 60 में से 300 था तो आपका जितना बचा 240 वो किससे, बस से ट्रेवल किया। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है बाकी जो 200 बचा वो बस से, एंड टेक 10 मिनट लॉन्गर, और इसे जहाँ पे 4 मिनट लग रहा था वहाँ 4:10 लगेगा अब। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली, अलग अलग फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पीड यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
एंड बस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसी को एक ले लेते हैं, एक को यू किलोमीटर पर आवर स्पीड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में लेना है, एंड दूसरा ले लेते हैं वी किलोमीटर पर आवर, रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, ठीक है। पहला जो है वो ट्रेन का यू, एंड वी जो है वो बस का स्पीड है। आगे क्या करना है, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू देखो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखो टोटल टाइम अगर हम फाइंड करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 60/4, सबसे पहले यहाँ पे 60/u, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा ट्रेन के लिए, देन प्लस में हो जाएगा 240 जितना डिस्टेंस बच रहा था। देखो 60 किलोमीटर उन्होंने 4 आवर में किया, तो 60/4 बाकी बचा कितना, u, क्योंकि स्पीड हमने ट्रेन का लिया था, अब बचा कितना यहाँ से 240 किससे, बस से ट्रेवल किया, तो बस का स्पीड लिखने का, कितने टाइम में, 4 आवर में, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, इसमें से जो सेकंड हमारा था, सेकंड पोर्शन इसको रीड करो, सेकंड पोर्शन क्या दिया था, देखो सी ट्रेवल्स द 100 किलोमीटर, तो 100 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, ट्रेन से किया तो यू, एंड बचा कितना 200 बचा 300 में से, ए वी इज इक्वल टू आपका देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/6 यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन बना लिया। आगे देखो इसमें आगे का सोल्व करते हैं, अब हम तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है इस तरह से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। तब इसमें से हम देखो 1/u को ले लेते हैं यहाँ पे हम p, 1/u को ले लेते हैं p, एंड 1/ यहाँ पे v को ले लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, क्या ले लेंगे इसको, कुछ भी ले लो, q ले लेते हैं। ओके दोस्त थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे मैं पेज ले लूँ, यहाँ पे फिर करते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ तक हमने किया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे का करते हैं। यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, p, 1/v इज इक्वल टू q आ गया यहाँ तक। आगे अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, लीनियर यहाँ इसमें रख देते हैं, पुट करेंगे, देखो 1/u इज इक्वल टू p था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60p, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60p, और देखो ये क्या था 240/v है, तो ये हो जाएगा आपका 240 q लिया था हमने 1/v। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो आपका 4 इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। सेम इसमें भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100p प्लस ये 200 है, तो 200q इज इक्वल टू 25/6, इस तरह से इक्वेशन नंबर, अभी हमें इसको 4 नहीं बोलेंगे, बिकॉज बताता हूँ, देखो इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है, 600p प्लस 200q, अब यहाँ पे 6 आता है, बट हम इसको इससे काट देंगे, इज इक्वल टू 25 लिख के इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना था, एलिमिनेशन जो भी आपको पसंद आए, मैं यहाँ पे देखो करता हूँ। अगर मैं इसमें क्या करूँ, देखो यहाँ पे आपका क्या है 600, इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा ना, 600 था, ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपका आएगा बराबर है, क्लियर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे, यहाँ पे देखो 200 था, 206 का मल्टीप्लाई किया, 1200 आता है यहाँ पे, 1200 इम्प्रूव कर लेना। तो आगे हम इसको करते हैं, देखो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 3/10 का, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 60 में, क्या हो जाएगा 600p प्लस इसमें 10 का करो 2400q इज इक्वल टू इसमें 10 का करो तो 40 हो जाएगा। ओके अब इसमें से हमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके नीचे लिख दो 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, देखो ए माइनस 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 कर दो, ये कट गया, 2400 में से 1200 जाएगा तो बचेगा 1200 एंड q, 40 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 15,
तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गया 15/1200। ओके, तो क्या आया 15/1200। अब इसको कट करोगे तो देखो 15 1 जा 15 15 8 जा होता है 120, और ये ज़ीरो आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ से, Q इज इक्वल टू आ गया 1/80। अब इस Q की वैल्यू को आप कहीं एक जगह पुट कर दो, चाहे तो इक्वेशन 3 में, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 4 में कहीं भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 3 में। ओके, तो यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे आपके पास क्या है 60p, लिखो यहाँ पे 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे अब हम रखते हैं वैल्यू, तो देखो 60p q की वैल्यू 240, q की वैल्यू 1/80 रख दिया इज इक्वल टू 4। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 8 4 जा क्या होता है, 8 3 जा होता है 24, कट गया। अब देखो 60p प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 4, 60p इज इक्वल टू 3 को इधर ले जाओ, 4 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, 60p की वैल्यू आ गया 1। यहाँ से p की वैल्यू 1/ क्या आ जाएगा 60। ओके, p की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/u, हमने p को क्या लिखा था इस तरह 1/u। अब 1/u तो p की वैल्यू आपके पास 1/60 है, p की वैल्यू रख दो इस तरह से 1/60। तो देखो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगा आपका 60, ये है 60 आ गया। यहाँ से अब हम q को लिख देते हैं 1/v, ये हमारा यही था q। अब 1/v की यहाँ पे देखो q की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया 1/80 ये रहा, तो यहाँ पे रखो 1/80। अब v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 80, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्रॉस कर दो तो आ जाएगा। अब ये हमारा u क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन था, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना आया 60। अब 60 की स्पीड किस में लिखे थे हमने, किलोमीटर पर आवर में, ट्रेन का आ गया। नाउ स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, देखो v इज इक्वल टू 80 था, तो यहाँ पे u, यहाँ पे हमने v लिया था, तो v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।